Yes. मैं जीता, मैं फर्स्ट आया। थक गए यार। चल कुछ और गेम खेलते हैं। फुटबॉल खेले? नहीं यार। कुछ बैठने वाला गेम खेलते हैं। अंताक्षरी? नहीं। क्या है ये? क्या है? Truth and Dare खेलेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ। Let's play. Ready guys? Ready. माने गया। बोल मानिक। Truth या Dare? Dare. बोल क्या करना है? पक्का? पलटेगा तो नहीं? नहीं पलटूंगा यार। बोल। जा जाके हम सब के लिए नारियल पानी लेके आ। वो भी अपने पैसों से। गया आज ये। देख लूंगा यार, तेरी बारी आने दे। 5-star होटल में पार्टी लूंगा। जा जा जा। रोहन रोहन बोल ठाकुर, सच बोलेगा या कर्तव्य दिखाएगा? सच बोलू और तेरे सामने? हम तो कर्तव्य दिखाएंगे। चल ठीक है, फिर जा उस समंदर में जाके डुबकी मार, वो भी 5 मिनट तक। देख अमी, तुझे पता है ना कि मैं तैर नहीं पाता हूँ। तो मैंने कब बोला तुझे तैरने को? मैं तो बोल रहा हूँ जाके डुबकी लगा। 5 मिनट कैसे रह पाएगा वो? बी फेयर। चल ठीक है, तेरे लिए 2 मिनट। इतना तो कर सकता है ना डरपोक? देख अमी, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ मैं तो कहता हूँ तू जागृति की चूड़िया पहन ले। देख अमी, चुप हो जा वरना क्या करेगा है? क्या करेगा तू? क्या करेगा? अरे रोहन रुक जा, उसमें कुछ है। दिखा, इसको खोल के देखते हैं। अरे रुक, ये क्लिप है ना, इसे निकाल। थैंक यू। क्या लिखा है इसमें? मेरे भाई ने मुझे गोली मार दी है और मैं मर रहा हूं। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा जा। इस बॉटल में थी ये चिट्ठी? जी सर। और तुमने इसे तोड़ दिया? सर वो चिट्ठी पढ़ते वक्त हाथ से छूट गई, सॉरी सर। खून तो हुआ है, कब हुआ है, कहां हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। और सर किसका? सिर्फ एक चिट्ठी और इस टूटी हुई बोतल से कैसे पता लगाएंगे? सर सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसके भाई ने उसे मारा है। उसका भाई कहां है, कौन है उसका भाई, कुछ भी नहीं लिखा है। और लिखते लिखते वो अटक गया, यानी कि उसकी सांस अटक गई होगी। नहीं, पूर्वी सांस नहीं अटकी होगी, नहीं तो वो चिट्ठी को बोतल में डाल के समुद्र में कैसे फेंक पाता? जरूर कुछ और हुआ होगा, कुछ अचानक, शायद वो खूनी वापस आ गया हो और हड़बड़ी में आके उसने सेंटेंस को आधा छोड़ दिया, चिट्ठी को बोतल में डाला और समुद्र में फेंक दिया। मगर एक बात पक्की है, ये बोतल उस आदमी ने, ये बोतल समंदर के बीच में ही फेंकी होगी, शायद किसी टापू से या शिप से। ये आदमी आया कहाँ से था, इस पर लिखा है ना, मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा जा से आया। जा से क्या आ सकता है? जे ए जमशेदपुर। सर जबलपुर, जम्मू, जयपुर। जा से जापान। फ्रेडी इस केस की तह तक जाना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन कैसे? न खूनी का पता है, न मरने वाले की पहचान, हमारे पास तो कोई लाश भी नहीं है, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये बोतल कितने साल पहले फेंकी गई थी। मानता हूँ रजत मामला मुश्किल है, मगर जरा सोचो, जिस आदमी ने मरते मरते न्याय के लिए इतनी कोशिश की है, देर से सही लेकिन उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए। Thank you.
बहुत बिजी है, मुंडी ऊपर करने के लिए भी वक्त नहीं है। तो और क्या, मुझे 24 घंटे बिजी रखना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, और मानना पड़ेगा बॉस, तुम अपने कर्तव्य को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। मेरी तारीफ कर रहा है या? तारीफ बॉस, 100% तारीफ। तो फिर पता क्या पता चला? इस बार ज्यादा कुछ पता नहीं चला बॉस। हथियार डाल दिया ना सालुंखे? अरे बॉस क्या है, मैं इस बॉटल को अच्छी तरह से चेक करके कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रहा था बॉस, लेकिन सालुंखे हमारे पास ये बॉटल और वो चिट्ठी, सिर्फ दो ही सुराग है, और फिर ये भी पता नहीं कि खून 1 साल पहले हुआ या 10 साल पहले, इसलिए रो मत। एक मिनट, रो नहीं रहा, एक मिनट ठहरो जरा। ये देख लो सही, तो सफेद नमक की तरह लग रहा है सर, पता चल सकता है कि इसमें क्या था? ये बॉटल एक शराब की बॉटल थी, और उस चिट्ठी को इस बॉटल में डालने से पहले इस बॉटल को खाली किया गया था। शराब की बॉटल? हाँ राजू, एल्कोहल टेस्ट एकदम पॉजिटिव है। अच्छा सालुंखे, तू बता सकता है इस बॉटल में कितनी पुरानी शराब थी? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चक्कर कितना पुराना है। नहीं बस, ये मुमकिन नहीं है। फिर रोने लगा तू यार? अरे रोने की बात नहीं है। तो फिर? दरअसल इस बॉटल में जितनी भी शराब थी वो सब उड़ चुकी, और समंदर के खारे पानी में बहते बहते इसके सारे के सारे केमिकल कॉम्बिनेशन बदल चुके हैं। मतलब इस बॉटल के बारे में अगर हमें और जानना है, जैसे कि ये कहाँ बनाई गई, इसका डिजाइन क्या था, तो हमें इसके सारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन अच्छा सालुंखे, इस बॉटल के अंदर जो वो चिट्ठी मिली है जिस पर खून लगा हुआ, उस खून का डीएनए टेस्ट तो किया है ना तुमने? हाँ सर। तो फिर क्या पता चला? ये खून किसी आदमी का है जिसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की होगी, लेकिन सर इसके अलावा हमें और कोई खास बात नहीं पता चली जिससे इस आदमी की पहचान हो सके। अच्छा और कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि खून पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने साल पहले इस कागज पर लगा होगा। लेकिन ये कागज, इस कागज से तो कुछ पता चला होगा। हाँ, ये कोई साधारण कागज नहीं है, मैंने इस कागज के छोटे से टुकड़े पर एक खास केमिकल टेस्ट किया है। ये देखिए सर, ये हरे रंग के दाग दिख रहे हैं आपको? हाँ। ये क्लोरोफिल के दाग है जो हरे पत्तों पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्यूलोज। सर ये कागज कोई मशीन में बनाया हुआ कागज नहीं है, इनफैक्ट हैंडमेड पेपर है जो सूखे फूल और पत्तों से बनाए गए। और एक बात सर, इस पेपर पर यहाँ पर मुझे कुछ एम्बॉस किया हुआ दिखा है। ये लोगो जरूर किसी कंपनी का लोगो है, शायद किसी शिपिंग कंपनी का। सर ये लोगो किसी भी कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया। सर ये लोगो आधा है आधा नहीं, हम पेंट करके इसको पूरा करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। मगर ये भी तो पता चलना चाहिए ना रजत, कि आधे हिस्से में क्या होगा या क्या था। काम करते हैं निखिल, सर आईना लेकर आओ जल्दी। ये देखो सर, रिफ्लेक्शन में तो साफ दिख रहा है बी अक्षर, कैपिटल बी। इसका मतलब है ये पेपर खास तौर पर किसी के लिए बनाया गया था, ये हैंडमेड पेपर। जिसके लिए भी ये पेपर बना है उसका नाम शायद बी से शुरू होता है। लेकिन सर इस अक्षर बी से ये कैसे पता चलेगा कि मरने वाले का नाम क्या था? सचिन अगर ये पता चल जाए ना कि इस पेपर के बनने में किन किन फूल और पत्तों का इस्तेमाल हुआ, तो उस आदमी को भी हम ढूंढ निकालेंगे। सर फूल पत्तों की खास जानकारी तो एक बॉटनिस्ट को ही होगी। बॉटनिस्ट? मिस्टर अभिजीत, आपकी ये फोरेंसिक रिपोर्ट 100% सही है,
ये पेपर वनस्पति के अलग अलग भाग से बनाया है, जैसे कि फूल पत्ते घास और पेड़ की शाखाओं को सुखाकर बनाया गया है। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, किस चीज़ का कितना भाग है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप चाहें तो इस पेपर के मैं सारे भाग सारे कंपोनेंट अलग करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। जानना तो हमें ये है सत्कार जी कि जिस आदमी ने ये नोट लिखा है वो कौन था और रहता कहाँ था। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है फिर आप ये बता दीजिए ये जो पेपर जिन फूल और पत्तों से बना है वो कहाँ पाए जाते हैं? सर इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और टेस्ट के वक्त शायद ये नोट खराब हो सकता है। नहीं आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर के अंदर सूखी हुई पत्ती, ऐसा ही एक्सपेसिमेंट मेरे पास भी है। ये देखिए सर, ये दोनों पत्ते तो एक जैसे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से पेड़ के हैं? ये देवदार पेड़ के पत्ते हैं। देवदार? ये देवदार तो मैदानी इलाकों में पाए नहीं जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं ना, ये हिल स्टेशन पे। जी सर, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये देवदार के घने जंगल होते हैं। सर मतलब विक्टिम बी पहाड़ी इलाकों में रहने वाला था? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का हो सकता है। विक्टिम बी ने लिखा है कि वो ऐसी जगह रहता था जिसका नाम जे से शुरू होता है। सबका सब आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब देखो सर्च करो, कोई जगह ऐसी है कि जो जे ए से शुरू होती है। सर उत्तराखंड में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। हिमाचल प्रदेश देखो। सर ये देखिए जयंतवाड़ी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जो जे ए से शुरू होती है। गुड, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि विक्टिम बी हिमाचल प्रदेश का है, शायद जयंतवाड़ी का। किसका खून हुआ साहब जी? कोई हमारी जयंतवाड़ी का था क्या? हाँ हमें शक है कि वो आदमी जयंतवाड़ी का ही रहने वाला था। तो साहब इतने सालों में हमारे कस्बे में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सर कभी। शायद वो आदमी पहले यहाँ पे रहता था, बाद में किसी और शहर में बस गया हो। अच्छा साहब अब हम आपकी मदद कैसे करें ये बताइए। ये कागज देखकर। ये कागज अब इसे देख के हम आपको क्या बताएं साहब? देखो हमें ये पता करना है कि जंतवाड़ी में ऐसी कोई मिल है क्या जहाँ पे ऐसे हैंडमेड पेपर्स बनाए जाते हैं? नहीं साहब ऐसा तो कोई मिल नहीं है इधर। अच्छा ये फूल और देवदार के पत्तों को सुखा के कागज बनाया जाता था ना, वो यहाँ पे कहीं बनता है क्या? कोई ऐसा आदमी हो जो बनाता है? अब भी नहीं है मगर पहले था। पहले था? हाँ साहब जी, कुछ साल पहले देवदार के पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर उससे पहले देवदार के पत्तों से ऐसे कागज एक वर्कशॉप में बनते थे। कौन चलाता था ये वर्कशॉप? मुंगेरी राज माल रोड से नीचे जाके बाई ओर, पर अब वो उस जगह पर एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। आप ये पेपर देखिए, ये आपके हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप में बनाया गया? हाँ ये कागज मैंने बनाया था, मेरा मतलब पूरा राइटिंग पैड मैंने बनाया था। किसके लिए बनाया था ये? जमींदार साहब के लिए, कुमार जी उनका ही ऑर्डर था। उन्होंने खासतौर से कहा था कि उनके परिवार के हर सदस्य के नाम पे लेटर पैड बनाया जाए और सबके नाम की पहला अक्षर
लेटर पेड़ पर छापा जाए। अच्छा, उनके परिवार में किसका नाम है जो बी से शुरू होता है? नहीं साहब, नहीं जानता। हवेली कहाँ है उनकी? साहब, आप माल रोड से आए ना, पीछे जो टेकरी है ना, उसी पर हवेली है। थैंक यू। हेलो, सीआईडी के लोग आए थे यहाँ पे? राजा, बोतल बन गई? यस सर, हो गया। वंडरफुल, वेरी गुड। सर, ये बोतल की एक तरफ किसी कंपनी का लोगो छपा हुआ है। ये क्या? और बोतल की दूसरी तरफ 50 एम्बॉस्ड है। हाँ, 50 साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। हो सकता है स्पेशल एडिशन के लिए कोई खास बॉटल बनाई हो। हाँ, हो सकता है। एक काम करो, इंटरनेट से पता लगाओ ये लोगो किस शराब बनाने वाली कंपनी का है। सर, ये ब्राजील की कोई कंपनी, और शराब भी ब्राजील की ही है। लेकिन ये बोतल और उसके अंदर की चिट्ठी मिली हिंदुस्तान में, और मौत हुई किसी हिंदुस्तानी की। पता लगाना पड़ेगा ये कौन सी हिंदुस्तानी कंपनी है जो ब्राजील की इस कंपनी से शराब आयात करती है, इंपोर्ट करती है। हवेली का हाल तो बड़ा बुरा है। देख के लगता है यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया होगा। हाँ सर, वहाँ हवेली का गेट भी टूटा हुआ था, और ये देखिए ये ताला, इस पे भी जंग लगी हुई है। सर, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सड़ने के लिए छोड़ रखा है, वरना रेंट पे दे देता, बेच देता, इसको होटल बना देता। क्या कर रहे हो? अच्छे घर के लगते हो, कुमार जी के बंगले में कैसे आए? किसको पूछकर फाटक लांग कर गए हो? देखिए, आप गलत समझ रही है, हम लोग तो रिश्तेदार हैं, कुमार जी के रिश्तेदार हैं। बाहर रहते हैं ना हम लोग, अमेरिका में, तो काफी सालों बाद यहाँ आए, तो सोचा कुमार अंकल से मिल ले। यहाँ तो सब कुछ बंद पड़ा है, और कुमार अंकल फोन भी नहीं उठा रहे। नंबर वंबर बदल गया क्या उनका? जमींदारों के यहाँ पर मेहमान बनकर तो बहुत लोग आते हैं, पर आप लोगों को इससे पहले यहाँ नहीं देखा है। वो हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। क्या है कि काफी सालों से यहाँ आए नहीं है, तो आपने इसीलिए देखा नहीं होगा। आप पड़ोस में रहती हैं क्या? जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। कुमार जी से तो घर जैसा नाता है। ये हवेली गुंडों का अड्डा ना बन जाए, इसीलिए नजर रखती हूँ। गुंडों का अड्डा? क्यों, कुमार अंकल के यहाँ कोई नहीं रहता क्या? यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब कुमार जी का परिवार यहाँ पे नहीं रहता है, मुंबई में रहता है। कब से? 2005 से। क्यों है? ऐसा क्या हो गया? कुमार अंकल हवेली छोड़ के मुंबई चले गए? उनका वो बड़ा बेटा है ना विक्रम। विक्रम ने क्या किया? वो घर संपत्ति के झगड़े में किसी रिश्तेदार को उसने चाकू मार दिया था। ये विक्रम भी ना, बेचारे कुमार अंकल कितना परेशान हुए होंगे। तो केस वेस बन गया होगा, पुलिस केस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमार जी ने बात को दबा दिया और रातों रात घर छोड़ के चले गए। तब से इस हवेली में कोई आता नहीं है। उनका एक बेटा था ना, वो बी बा नाम। कौन? बलबीर। बलबीर, ये बलबीर भी मुंबई चला गया क्या? वो अकेले यहाँ कैसे रहता, वो अपने माता पिता के साथ चला गया। आप लोग इतनी दूर से आए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे भी मंदिर जाना है, अब आप लोग भी जाइए। नमस्ते। थैंक यू। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि मरते वक्त जिस आदमी ने चिट्ठी लिखी थी उसका नाम बलबीर था। सर, नाम तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसे गोली किसने मारी? हो सकता है उसका राज
इस वीरान हवेली में ही छुपा। काम की चीज मिल जाए। कुछ नहीं मिला सर। सब अच्छा अच्छा सर, ये देखिए बॉम्बे के कुछ नंबर, रियल स्टेट एजेंट्स रातों रात हवेली छोड़ के भागे हैं, तो मुंबई में घर तो चाहिए होगा ना। हाँ सर, तो ये लोग काफी अमीर लोग हैं, मतलब किराए के घर में तो नहीं रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदा होगा या बंगलो खरीदा होगा। ये फ्लैट खरीदा या बंगलो ये तो स्टेट एजेंट्स ही बताएंगे। मैंने ये जो बाहर औरत मिली थी ना रजनी, उससे इस घर में रहने वालों के स्केच बनवाना। यस सर। सर, ये शराब इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, और उनमें सबसे बड़ा इंपोर्टर मैं हूं। और इसमें जो 50 का मार्क क्या है? ब्राजील की कंपनी ने जब 50 साल पूरे किए तो उन्होंने एक स्पेशल कंसाइनमेंट तैयार की थी, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन? यस सर, स्पेशल एडिशन। तो ये लिमिटेड एडिशन की शराब को इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन तीनों इंपोर्टर्स को मिला था? नो सर, सिर्फ मेरी कंपनी को ही मिला था। अक्टूबर 2007 का ये स्पेशल बैच था। अक्टूबर 2007 का लिमिटेड एडिशन। मुझे लगता है कि इस बलवीर का मर्डर उसी समय हुआ होगा। मिस्टर उत्तम, हमें लगता है कि बलवीर का खून किसी शिप में हुआ था, क्योंकि आप ये शराब इंपोर्ट करते हैं तो आप इसे सप्लाई भी करते ही होंगे। 2007 का रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं कि आपने 2007 में ये शराब किस किस को सप्लाई किया था? हाँ सर, मैं अभी बताता हूँ। प्लीज। मिल गया सर। अक्टूबर 2007 में ये शराब 2 क्रूज शिप पर सप्लाई की गई थी, एक ZU और दूसरा DL क्रूज लाइन। ZU पर ये कंसाइनमेंट समय पर नहीं पहुंचे सर, इसलिए कंसाइनमेंट लिए बगैर ही उससे रवाना हो गई। दूसरी शिप अक्टूबर 2007 में ये शराब DL क्रूज लाइन पर 60 बॉटल का कंसाइनमेंट गया था। थैंक यू उत्तम जी, थैंक्स अ लॉट। अरे नयन सुख, अरे जल्दी कर, तू मेरा असिस्टेंट होके भी आज तक तूने मुझे कोई सुख नहीं दिया रे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, अब तक तो CID भी नहीं आई, मेरे तो हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं सर, कहीं आपके साथ साथ मुझे भी ना अंदर कर दे। वो बंदरक ढूंढ जल्दी। प्रताप जी सर, CID सर, मैंने तो सिर्फ उनको मकान दिलाया था, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप कुमार परिवार के बारे में कुछ भी खास जानते हैं तो बताइए। हाँ सर, है ना खास बात, इस पार्टी के अलावा आज तक किसी ने भी फुल पेमेंट देके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। पूरा पेमेंट कैश में? हाँ मैडम, बहुत अमीर आदमी थे पर पैसों के लिए झगड़ते थे, कोई भी साथ रहना नहीं चाहता था। मुझसे कहा कि 3 मकान ले लें, वो भी कैश पेमेंट, ब्लैक मनी। सोचिए उनके पास व्हाइट मनी कितनी होगी। 3 घरों का सौदा किया आपने, वो भी ब्लैक मनी। सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करता, कुछ पार्टियां होती हैं ऐसी हैं सर। ये कितने साल पुरानी बात है? ये जून 2005 की मैडम। जून 2005, यानी 7 साल पुरानी। हाँ मैडम। फिर भी ऐसे स्पेशल क्लाइंट्स का चेहरा तो आपको याद होगा ही। हाँ मैडम, याद है ना सर। ये फाइल मिल गई। ये देखिए ये उनके पासपोर्ट साइज फोटो भी हैं और उनके सिग्नेचर हैं इस पेपर पर। इसका मतलब हम लोग सही राह पर हैं। अच्छा, आपने कहा था कि 3 घरों का सौदा हुआ था, राइट? हाँ सर। सर, एक तो उनके पिताजी ने लिया था मिस्टर कुमार, और दूसरा उनके बड़े बेटे मिस्टर विक्रम, और तीसरा उनका मझला बेटा अभिमन्यु ने लिया था।
और उनका सबसे छोटा बेटा बलबीर, उसने कोई घर नहीं खरीदा? हाँ सर, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो घर नहीं लिया, वो अपने पिताजी के साथ ही रहता। थैंक यू। सब बलबीर के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर खरीद सके या कोई घर किराए पे ले, फिर उसे मारकर उसके बड़े भाइयों को क्या फायदा होता? इसका जवाब तो वो दो भाई लोग ही दे सकते हैं पूर्वी। पर सर उससे पूछेंगे कैसे? 7 साल हो चुके इस बात को, पता नहीं वो खुद कहाँ होंगे। उन्होंने मुंबई महानगरी में घर खरीदे थे और एक बार जो मुंबई में बस गया वो जल्दी कहीं और नहीं बस सकता। इस एड्रेस पर चल के देखते हैं, शायद वो आज भी इसी शहर में हो। डीएल क्रूज लाइनर हमारी ही कंपनी की क्रूज लाइनर थी। हाँ सर, शिप पुरानी हो गई थी इसलिए 2009 में उसे शिप ब्रेकिंग के लिए शिपयार्ड में भेज दिया गया। और आप जिस सफर के बारे में जानना चाहते हैं वो 3 अक्टूबर 2007 में हुआ था। सर मेरा यकीन मानिए, उस शिप पर कोई मर्डर नहीं हुआ था। आप हमारा यकीन कीजिए कि उस शिप में एक आदमी का मर्डर हुआ था। सर मैं यहाँ 9 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे जहाज पर कोई मर्डर हो और मुझे पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3 अक्टूबर 2007, उस जहाज में जितने भी लोग थे स्टाफ में उनका नाम तो याद होगा ना आपको? बुलाइए उन्हें जल्दी। जी सर। सुरेश तुम और राहुल मेरे कैबिन में आओ। पैसेंजर लिस्ट चाहिए हमें। जी सर। बलबीर कुमार का नाम लिस्ट में है? हाँ सर, पर वो। हाँ सर। सर ये है राहुल और ये सुरेश। 3 अक्टूबर 2007 के दिन डीएल क्रूज पर ये दोनों ही थे। यस सर, उस जहाज के हर सफर का हिस्सा रहे हैं हम। पर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं आपको। उस जहाज पे बलबीर नाम के एक पैसेंजर का खून हुआ था। खून? पर हमें तो वहां पर कोई लाश नहीं मिली सर। चलिए मान लिया कि आपको कोई लाश नहीं मिली, लेकिन एक बात तो तय है, ये आपकी शिप से एक पैसेंजर गायब हुआ था। हाँ सर, एक पैसेंजर गायब तो हुआ था। तो तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर पूरा शिप छान मारा पर वो पैसेंजर हमें नहीं मिला। हमें लगा कि वो शायद गलती से समुंदर में गिर गया हो और उसके फैमिली वालों ने भी उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। तो पैसेंजर लिस्ट चेक करो, बलबीर का भाई या उसका कोई रिश्तेदार साथ में था क्या? नहीं सर, वो अकेला था। इसका मतलब यही हो सकता है कि बलबीर का भाई गलत नाम से एक झूठी पहचान पर सफर कर रहा था। हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? आखिर चल क्या रहा है? बलबीर की मौत का आपको कैसे पता चला? और आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बलबीर ही था? आप लोगों को किसने बताया? इस चिट्ठी में। बलबीर ने आपसे खुद कहा कि वो मर चुका है? जी हाँ। मगर कैसे? मैंने कहा ना इस चिट्ठी से, इसमें बलबीर ने अपनी मौत के बारे में खुद लिखा है जब वो 3 अक्टूबर 2007 डीएल इंडिया नाम के जहाज से सफर कर रहा था। बलबीर ने लिखा है कि मेरे भाई ने मुझ पर गोली चलाई, उसे सजा दिलवाना, मेरा विश्वास तोड़ा है, उसको मिलने के लिए मैं यहाँ बहुत दूर अपने शहर ज का मतलब है जंतवाड़ी, जंतवाड़ी जहाँ से आपके परिवार के बारे में हमें पता चला। बलबीर मर चुका है 2007 में, हमें पता ही नहीं चला। तो जब उसकी मौत के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मार सकते उसे? अगर बलबीर ने ही तो लिखा है ना कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई, और उसके भाई कौन है? आप दोनों, मिस्टर विक्रम और अभिमन्यु। डाइंग डेक्लेरेशन, एक मरते हुए आदमी का आखिरी बयान, कानून में बहुत मायने रखता है। सर उसने हमें क्यों दोषी ठहराया है जबकि 3 अक्टूबर 2007 को हम डीएल इंडिया नाम की शिप पे थे ही नहीं। सर आप चाहे तो पैसेंजर की लिस्ट चेक कर सकते हैं, सितंबर 2007 के बाद हम बलबीर से मिले ही नहीं। और एक बात, इस बात की क्या गारंटी है कि ये चिट्ठी बलबीर ने ही लिखी है? सर किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है सर। मैं मानती हूँ कि इनकी बलबीर से ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना सर कि मेरे पति और देवर इस हद तक गिर सकते हैं। तो फिर इतने सालों तक आपने ये जानना जरूरी क्यों नहीं समझा कि बलबीर कहाँ है? भाई था आखिर वो इनका।
सर, हमारा बलबीर से पैसों और जंतवाड़े की हवेली को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था और इसी बात को लेकर वो हमसे नाराज था और हमारे माँ बाप के देहांत के बाद तो हमसे कोई नाता रखना ही नहीं चाहता था। एक बात आप सब लोग ध्यान में रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? जा सकते हैं आप लोग। रियल इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं सभी लोगों की डिटेल्स मिल गई है सर। बाकी लोगों का तो पता चल गया है, लेकिन एक प्रत्युषा नाम की लड़की है जो गलत नाम से ट्रैवल कर रही थी, और तो और जो एड्रेस दिया था उसने वो भी गलत है सर। प्रत्युषा, तो हो सकता है ये लड़की उस भाई के साथ मिली हुई हो उस खून में, और ये भाई गलत नाम पर ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन सर, पैसेंजर लिस्ट में बाकी जितने भी यात्री हैं उनके नाम और एड्रेस मैच करते हैं। मतलब सर, बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे? हाँ, बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे। अच्छा, क्या हुआ सर? रजत, बलबीर के भाई विक्रम और अभिमन्यु ने हमसे कहा कि सितंबर 2007 के बाद उन्होंने बलबीर को देखा ही नहीं था, और बलबीर की मौत हुई अक्टूबर 2007 में। तो इसका मतलब है उस एक महीने में, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच, बलबीर जंतवाड़ी में ही था। जंतवाड़ी में सर, लेकिन जंतवाड़ी के उस हवेली पर जो औरत थी उसका कहना था कि बलबीर वहां कभी आया ही नहीं, तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है? हो सकता है बलबीर उस जंतवाड़ी की हवेली में रुका ही ना हो, जंतवाड़ी में ही किसी और जगह पे ठहरा। लेकिन सर, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बलबीर जंतवाड़ी की वो हवेली अपने नाम पर करना चाहता था, और ये बात वो अपने भाइयों से छुपाना चाहता था। मगर सर, ये बलबीर जंतवाड़ी में रुका कहाँ होगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे सचिन, पता लगा ही लेंगे। लेकिन उससे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये बलबीर जंतवाड़ी में किस वकील से मिला था। कहाँ जा रहे साहब आप लोग? वो संजीव साहब से मिलना था। आप लोग कौन है? सीआईडी मुंबई। सीआईडी? आप लोगों से मिलने गए हो साहब? क्या? मगर हमने तो उनसे कहा था कि हम यहाँ घर पे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पता नहीं साहब। लेकिन हमसे मिलने कहाँ गए? कुछ तो बताया होगा तुम्हें। माल रोड गए साहब। माल रोड? माल रोड पे क्यों? 15 मिनट पहले एक आदमी आता साहब, उसने बोला कि माल रोड में सीआईडी आपका इंतजार कर रही है, और साहब उसी के साथ चले गए। समझदार आदमी किसी की बातों में कैसे आ गया? तुमने साहब को पहले कभी देखा था? उसको साहब मैंने जंतवाड़ी में कई बार देखा साहब। कैसे, दिखने में कैसा ही? सर, वो सांवला सा और 5-5.5 फुट लंबा हुआ साहब, और रंग बिरंगी टोपी पहना हुआ था, और मुंह में पान चबाया हुआ था साहब। सर, हम इस आदमी से पहले मिल चुके हैं कहीं, ये वही तो? कैसे गए वो लोग? वो जो आदमी आया हुआ था साहब उसी के गाड़ी से गए। कौन सी गाड़ी, किस रंग की गाड़ी? सफेद रंग की बैन थी साहब। संजीव की जान को खतरा है, चलो। रंग बिरंगी टोपी पहने हुए था जो शिमला में पहनते ना, वो सफेद बैन देखी? नहीं। देखिए, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसका रंग सांवला सा है, कद करीब 5-5.5 फीट है, और सर पर रंग बिरंगी टोपी पहनता है जिस पर हाथ की कारीगरी हुई है, सांवला सा है, अक्सर पान चबाता हुआ यही मार्केट में घूमता रहता है, और शायद उसके पास सफेद कलर की वैन है। शायद आप मंगू की बात कर रहे हैं? मंगू जी, हाँ वही वही। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो, मॉल रोड पर अपना अड्डा जमा कर बैठा रहता है। आपने उसे देखा है क्या अभी? अभी हाँ, वो अपनी गाड़ी में इधर से ही गया है उस तरफ। थैंक यू सर। जिस औरत ने उस आदमी को देखा उसका नाम मंगू है, अभी ऊपर की तरफ गया है। चलो। अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। चल, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
छोड़ दो मुझे। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दो हैं? अरे अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलत, अरे मैं गलतफहमी हुई है भाई, छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दो? छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दो? अरे छोड़ दो मुझे। वकील बाबू, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। क्या है ना वकील साहब, कि अगर आप जिंदा रहे तो बलबीर के बारे में सीआईडी को सब पता चल जाएगा। अब बलबीर का राज छुपाने के लिए मोटा पैसा लिए। क्या है वकील बाबू, आपकी जबान तो बंद होती नहीं है वकील साहब, मरना तो पड़ेगा ही ना आपको। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तू मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आजा, बहुत जासूसी कर ली मंगू, तेरी जगह यहाँ इस जन्नत में नहीं है, समझा? तेरी जगह कहीं और है। जो कुछ बताएगा सच सच बताना, वरना साहब मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के पैसे मिलते हैं साहब। जमींदार साहब के बेटे बलबीर के विषय में कोई भी पूछताछ करता है बस मैं उन्हें एक फोन लगा देता हूँ सर। किसको बताता था? अब एक औरत है, मैंने उसे देखा नहीं है सर। औरत? तो संजीव जी सर, आपके मुताबिक बलबीर का झगड़ा उनके भाइयों से था? हाँ सर, खानदानी हवेली को लेकर भाइयों में खूब झगड़ा हो रहा था सर। तो बलबीर आपके पास यहाँ आया क्यों? बलबीर के माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने भाइयों से छुपकर मुंबई से भाग निकला खानदानी हवेली पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसे यकीन था सर कि उसके भाई आसानी से मानेंगे नहीं और उसके पेपर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर ये औरत कौन है, बलबीर ने कभी बताया? नहीं सर। सर ये बलबीर अचानक यहाँ से भागकर मुंबई क्यों चला गया? हाँ, वो हवेली लेने आया था तो फिर यहाँ से भागा क्यों? पर हाँ सर, उस दिन जाने से पहले, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर लगा दी? मालूम है कोर्ट पहुँचना बहुत जरूरी है। अभी से कोई जरूरत नहीं एडवोकेट साहब। क्यों, हवेली नहीं चाहिए क्या? नहीं, हवेली तो मुझे चाहिए और हवेली मुझे ही मिलने वाली है। मुझे ही मिलेगी? हाँ, पता नहीं कैसे मेरे भाइयों को पता चल गया कि मैं जंतवाड़ी आया हूँ। आज सुबह ही भैया के घर से फोन आया था, मुझे मुंबई वापस बुलाया और कहा कि हवेली मुझे दे दी जाएगी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बलबीर ने कहा कि भैया के घर से फोन था जी। किसने फोन किया बताया? नहीं सर, नाम तो नहीं बताया। ये केस तो फिर से उलझ गया सर, किसका फोन आया था ये तो हमें पता ही नहीं, और बलबीर यहाँ से सीधा जहाज पर गया, लेकिन उसका भाई तो कभी जहाज पर गया ही नहीं। बलबीर ने चिट्ठी में यही लिखा था कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई, ये कैसे हो सकता है? सर उस जहाज पर वो लेडी पैसेंजर भी जो नकली नाम लेकर घूम रही थी, और उसका कैबिन ठीक बलबीर के कैबिन के सामने था। प्रत्युषा, उसका नाम प्रत्युषा है। हाँ सर, हो सकता है कि उसी औरत ने बलबीर को पटाकर उस जहाज पर बुलाया, लेकिन सर उस औरत को ढूंढेंगे कैसे? जी कहिए। हेलो मैडम, मैं डीएल क्रूज का मैनेजर हूँ, सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इट्स ओके। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ। खबर? कैसी खबर? हमारी शिप डीएल क्रूज पर मिस प्रत्युषा ने 3 अक्टूबर 2007 को ट्रैवल किया था एग्जीक्यूटिव क्लास में, उन्हें लकी ड्रॉ में एक फ्री गिफ्ट कूपन मिली है हमारी नई क्रूज पर यूरोप के लिए, तो क्या मैं मिस प्रत्युषा को पर्सनली ये फ्री गिफ्ट कूपन दे सकता हूँ? प्रत्युषा? कौन प्रत्युषा? देखिए हमारे घर में इस नाम की कोई औरत नहीं रहती है, आप शायद गलत एड्रेस पे आए हैं। मिस प्रत्युषा 91 पॉकेट ए सतारा कॉलोनी 7 बंगलोज अंधेरी वेस्ट मुंबई। बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हैं सर। पर आपने सुना नहीं, यहाँ पर कोई प्रत्युषा नहीं रहती है, और ये कैसी शिपिंग कंपनी है कि अपने मैनेजर को रात में किसी के घर भेजती है फ्री गिफ्ट कूपन देने के लिए? चली निकली यहाँ से। माया देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है, एड्रेस सही है लेकिन 3 अक्टूबर 2007 को
हमारे घर से डीएल क्रूज पे कोई गया ही नहीं था। और ये प्रत्युषा नाम भी हम पहली बार ही सुन रहे हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम पवई से इतनी दूर आपको फ्री ट्रिप देने आए हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, हमारे पास सारे पैसेंजर्स की लिस्ट है, ये देखिए। अरे आप लोग तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा ना इस नाम की कोई लेडी हमारे घर में नहीं, और हमें कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये पुलिस को बुलाने की धमकी किसे दे रहे हैं आप? पुलिस को तो अब हम बुलाएंगे। क्या जालसाजी आप लोगों ने की है? झूठे नाम और दस्तावेज जमा करके आप लोगों ने कानून तोड़ा है। क्या हमने कानून तोड़ा है? हमने झूठे दस्तावेज जमा किए थे? कैसे साबित करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स हैं। कौन से फोटो? वही जो शिप पर गाला नायक पर लिए गए थे। शिप के कैप्टन ने अपने यादगार के तौर पर हर एक पैसेंजर के साथ फोटो खिंचवाई थी। अरे बंद करो ये बकवास। ना ही मैंने यहाँ का एड्रेस दिया था और ना ही शिप पर कोई ऐसे गाला नाइट हुआ था, ना ही मैंने सिरे को कोई फोटोग्राफ खींचा था। तुम कहाँ से दिखाएंगे फोटोग्राफ? हाँ माया, क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन क्रूज पर कोई गाला नाइट हुई नहीं थी और प्रत्युषा ने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी? क्योंकि ये उसी शिप में थी। राइट माया, या प्रत्युषा को? क्यों क्यों मारा बलबीर को? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्होंने तो अपने हिस्से में मिली हुई सारी जायदाद जुए में हार दी। बिजनेस में भारी लॉस हो रहा था। इनका बिजनेस तो किसी भी दिन बंद हो सकता था। पूछिए इनसे। हम लोग जयंती और अभिमन्यु की तरह सुखी नहीं थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। हवेली को बेचकर जो पैसे मिलते ना, उससे हमारा सारा कर्जा उतर जाता। मगर ये बलबीर हवेली पर कब्जा करके बैठा हुआ था, और ये इन्होंने भी तय कर रखा था कि हम हवेली में से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, सब कुछ बलबीर को दे देंगे। मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इसलिए तुमने बलबीर पर नजर रखना शुरू कर दिया? हाँ, जब मुझे पता चला कि वो जंतवाड़ी पहुंच चुका है अपनी हवेली पे कब्जा जमाने के लिए, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उस वक्त विक्रम भी काम के सिलसिले से सिंगापुर गए हुए थे। और फिर तुम्हें साजिश रचने का पूरा मौका मिल गया। हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे फोन किया और उसे कहा कि उसके भाई उसे एनओसी देने के लिए तैयार है। पर तुम दोनों शिप पर कैसे पहुंचे? मैंने उसे कहा कि जब हमारे बीच सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं, तो क्यों ना पूरा परिवार एक साथ क्रूज पर सेलिब्रेट करें। और मैंने उसे वादा भी किया कि वहां पर मैं उसे एनओसी पेपर्स दे दूंगी। भाभी, आपने तो कहा था कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, फिर मेरे आने की खबर भैया से क्यों छुपाई गई? अरे मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। जल्दी करो, वो दोनों डेक पर पहुंच चुके हैं। कम ऑन। अच्छा, और वो एनओसी पेपर्स? वो मैंने अपने साथ ले लिया है, दोनों भाइयों के सामने दूंगी, चलेगा? हाँ, आप चलो। एक मिनट, मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। अरे ये आप क्या करी भाभी? बलबी बेवकूफ तो था नहीं, उसे पता था कि सिर्फ विक्रम के एनओसी से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अभिमन्यु भैया का भी नाम जोड़ दिया। एनओसी और अपने भैया से मिलने की खुशी में बलबीर तुम्हारे झांसे में आ गया और तुमने उसे गोली मार दी। लेकिन बलबीर ने तो उस चिट्ठी पर लिखा था कि उसे उसके भाई ने मारा। गोली चलाते वक्त मैंने उसे कहा था कि उसका भाई उससे नफरत करता है, तुम उसके रास्ते के कांटे हो, वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। ये सोचो कि ये गोली मैंने ही तुम्हारा भाई चला रहा है। और ये सुनके बलबीर टूट गया, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिट्ठी में ये लिख दिया कि उसके भाई ने उसे गोली मारी है। बलबीर को मरे तो 5 साल हो गए, अब तक तुमने हवेली अपने नाम क्यों नहीं कराई?
वो सब इनकी वजह से। कितनी बार कहा है इनसे कि भूल जाओ बलवीर को, अगर वो हवेली में इंटरेस्टेड होता तो सबको छोड़ छाड़ कर नहीं जाता, पर ये है कि नहीं, वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगा, जरूर वापस आ जाएगा। पर विक्रम को मालूम नहीं था कि बलवीर कभी वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि तुमने उसे मार दिया। भाभी माँ समान होती है और तुमने उस रिश्ते को बदनाम किया है और इस घर को भी तोड़ दिया। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस माया। सॉरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।